अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप मेरी इन वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो बेसिक टेक्स्ट फंक्शन है किस तरीके से हम गूगल स्प्रेडशीट में और एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? अपर, लोअर, प्रॉपर। तो डाटा किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल हो, मैं उसे अपर में, लोअर में या प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनका फोकस होता है डाटा को एंटर करना। तो वो कभी तो तमाम का तमाम डाटा लोअर में टाइप कर देते हैं, कभी अपर में, और कभी वो मिक्स मैच कर देते हैं, कहीं लोअर कहीं अपर। तो डाटे को यूनिफॉर्म बनाने के लिए इनमें से मैं कोई भी एक फंक्शन यूज़ करूँगा और डाटे को यूनिफॉर्म बना लूँगा। सबसे पहले है अपर। तो डाटा किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, लोअर में हो, अपर में हो, प्रॉपर में हो, वो उसे अपर में कन्वर्ट कर देगा। जो राइट साइड पे इसका सिंटेक्स दिया गया है ये गूगल स्प्रेडशीट से लिया गया है। तो चाहे ये गूगल स्प्रेडशीट हो चाहे ये एक्सेल हो, दोनों में सेम सिंटेक्स है। इज इक्वल टू अपर विद इन ब्रैकेट हम टेक्स दे देंगे, वो उसे कन्वर्ट कर देगा अपर में। लोअर बिल्कुल सेम, सिर्फ आउटपुट फर्क है। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर टेक्स। तो एवरी कैरेक्टर ऑफ द वर्ड विल बी लोअर। प्रॉपर सेम थिंग, बट हियर यू सी द आउटपुट, हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर टेक्स। सो एवरी कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड विल बी कैपिटल। यस, दिस इज नाउ प्रैक्टिस टाइम। लेट अस सी हाउ टू यूज दिस फंक्शंस इन Google spreadsheet as well as in Excel. पहले हम देखते हैं कि spreadsheet में कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि Excel में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। So is equal to lower, और यहाँ पे मैं उसका बता दूंगा address। तो फॉर्मूला से लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अगर सेम फार्मूला मैं तमाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर दूंगा अप टू द एंड। एक बात याद रखनी है कि ये नंबर पे अप्लाई नहीं होता, चाहे लोअर हो, अपर हो, प्रॉपर हो, नंबर विल बी इन द सेम फॉर्मेट। नंबर पे कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से इज इक्वल टू प्रॉपर, और चाहे आप इसको A2 का एड्रेस देते हैं, चाहे A1 और B1, A2, B2, कोई भी एड्रेस देते हैं, उसने उस टेक्स्ट को लेना है और उसे कन्वर्ट कर देना है प्रॉपर फॉर्मेट में। सो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। तो हर एक वर्ड का जो पहला हर्फ है वो कैपिटल। इज इक्वल टू अपर, तो ये क्या करेगा, तमाम के तमाम को कैपिटल बना देगा। ये था डायनामिक यूज। मैं यहां पे अगर कुछ भी चेंज करता हूं तो उधर भी चेंज हो जाएगा। मसलन मैं यहां पे लिख देता हूं कसूर पाकिस्तान, तो ये डायनामिकली चेंज हो जाएंगे। मैं फिक्स भी कर सकता हूं, मैं अगर लोअर यूज करना चाहता हूँ इज इक्वल टू लोअर, और विद इन डबल कोटेशन मैं लिख दूंगा IMA पाकिस्तानी, तो उसको ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर सेम फॉर्मूला मैंने यूज करना है अपर के प्रॉपर के लिए, तो मैं सिर्फ इसे PROPER प्रॉपर कर दूंगा, तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसे अपर में करना है तो उसका जो फॉर्मूला नेम है सिर्फ वो चेंज कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा कैपिटल में। तो ये था इसका यूज गूगल स्प्रेडशीट में। आइए हम देखते हैं कि एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल 100% सेम है, कोई फर्क नहीं है। इज इक्वल टू लोअर, और ये लोअर है, तो तमाम के तमाम डेटा उसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया है।
इसी तरीके से इज इक्वल टू प्रॉपर है तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरीके से अपर है ये इसे अपर में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको बताया था कि अगर डाटा अपर है तो उसे अपर में ही रहने देगा। आप इसे इसका रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं, अपर आप ये रेफरेंस दे दें तो ये प्रॉपर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप उसे कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी कैपिटल है तो उसे कैपिटल ही रहने देगा, अगर वो प्रॉपर है या लोअर है तो उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से दूसरे भी एक्सेल में भी हम इसे फिक्स पे यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू लोअर और आई एम ए पाकिस्तानी। ओके, तो इसी तरीके से अगर मैं इसे अपर बनाना है तो अपर के लिए अपर, और अगर मैंने इसे अपर के साथ अगर मैंने इसे कन्वर्ट करना है लो अपर, और ये है जी प्रॉपर। PR प्रॉपर, और ये प्रॉपर बन गया। थैंक यू वेरी मच, लेट अस गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। हमने प्रैक्टिस की, आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिव्यू करके रिप्लाई कर दूंगा। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप कोई भी एक टॉपिक रिकॉर्ड कराना चाहते हैं जो अभी तक कवर नहीं हुआ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं तो मैं आपको डेडिकेट करके वो रिकॉर्ड कर दूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।